हेलो दोस्तों, मैं हूँ बिंजीर। वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ बातें। आज हम लोग थोड़ा बाहर जाने के लिए निकल पड़े हैं और आज छुट्टी का दिन है। और पता नहीं क्यों कुछ दिनों से मेरे घर के लिए बहुत ज़्यादा मन खराब हो रहा है। इंडिया को बार बार मिस कर रही हूँ। होता है ना, परदेश में कुछ दिन रहना अच्छा लगता है, उसके बाद फिर अपने देश का याद बहुत ज़्यादा आता है। ऐसा ही हाल मेरा है। तो आज निकल पड़े हैं हम वेनिस मॉल जाने के लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गया है। जैसे आप सभी को पता है कि इस टाइम में गर्मी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, उसी तरह फिलीपींस में भी इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी हुआ है। तो चलो, हम लोग मॉल पहुँच चुके हैं, आगे की बात वहाँ चल के करते हैं। तो दोस्तों, पहुँच चुके हैं हम वेनिस मॉल पे। बहुत दिन हो गया आप लोगों से रूबरू बात नहीं किए क्योंकि तबीयत ख़राब था वगैरह वगैरह। तो अब बहुत ठीक हूँ। हम लोग सब लोग बहुत सही है, सब लोगों का बुखार सही हो गया है। बस हमारा को थोड़ा सा कोल्ड का प्रॉब्लम अभी भी है, लेकिन वो डॉक्टर ने कहा है कि एंटीबायोटिक का कोर्स दोबारा से उसको दिया है, तो एंटीबायोटिक का कोर्स दोबारा से कंप्लीट करने के बाद शायद उसका सही हो जाएगा। तो आज है लेबर्स डे 1 मई। तो आज हम लोग बैठे थे सुबह से घर में ही, क्योंकि कल था हमारी जो प्रधानमंत्री जी है मोदी जी का 100वां एपिसोड मन की बात का। तो शुक्रिया, इसीलिए संडे गए थे ऑफिस, और तो उसका आज छुट्टी मिल गया। आज लेबर डे है इसलिए उसने बोला आज का दिन जाया नहीं करते हैं, चलो कहीं चलते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं। तो नज़दीक यही बहुत अच्छा मॉल हम लोगों को लगता है, वेनिस मॉल, जहाँ पे हम लोग बार बार आते हैं। आप लोगों के साथ बार बार शेयर करते हैं वेनिस मॉल का एक्सपीरियंस। तो अभी फ़िलहाल हम लोग आए हैं वेनिस मॉल में, और सबसे पहले आकर ही जो हमने सोचा है कि अमायरा को हम थोड़ी देर के लिए खेलने के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि हम तो कहीं ना कहीं घूमने चले जाते हैं, आप लोगों को पता है, लेकिन बच्चों का खेलना ही नहीं होता है। तो इसीलिए अमायरा को हम ढूंढ रहे हैं जी, यहाँ पर जो किड्ज़ोनिया है वो कहाँ पर है, वहाँ पे हम इसको थोड़े देर के लिए खिलाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग घूमेंगे। तो चलिए, हम लोगों के साथ देखते हैं क्या क्या करते हैं, आप लोगों से शेयर करेंगे। मॉल के ऐसे कॉर्नर ऐसे डेकोरेट किया गया है जैसे लगता है कि पुराना हवेली है, बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे गाड़ियाँ भी मिलते हैं, बच्चों को आप लेकर मॉल में घूम सकते हो। और ये रहा मॉल, तो बहुत बार आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। गंडोला राइड भी हो रहा है। अभी ना फिलहाल फिलीपींस में बहुत ज़्यादा गर्मी आ गया है, पिछले बार तो इतना ज़्यादा गर्मी था ही नहीं, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। और फिर हम लोग कहीं पे भी घूमने जा रहे हैं तो हमें अच्छे तरीके से जगह चूज़ करना पड़ रहा है, जहाँ पर ज़्यादा हमें सनलाइट में ना रहना पड़े, क्योंकि अमायरा को लेकर, अशर तो अमायरा को क्यों, हम बड़े लोगों को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाता है धूप में चलने से। तो इसीलिए हमने मॉल ही चूज़ किया आ जाने के लिए। और यहाँ से आप लोगों को थोड़ा व्यू दिखाती हूँ, ये देखिए। ये देखो, यहाँ पे गंडोला राइड हो रहा है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे ये राइड लेना। और आज आप लोगों को पता चल रहा होगा कि काफ़ी सनी डे है आज। चला गया मायरा और शुप्रियो कहाँ गया, देखते हैं। चलो, तो दोस्तों उसके बाद शुरू हुआ अमायरा का खेलने का सिलसिला। उसे तो किड्ज़ोनिया में जाकर और कुछ मतलब भाता नहीं है, उसे बस लूपिंग करना है और सबसे ज़्यादा यही करना उसे पसंद है। तो बहुत इंजॉय कर रही थी बच्ची मेरी, सारे इतने बच्चे आए थे, सब लोग इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे ये कार्टून कैरेक्टर आ गए थे जिसका नाम है लाला, और लाला या लाली ऐसा कुछ बोल रही थी। तो वो अपने फ्रेंड्स मतलब इन सारे बच्चों से मिलने आए थे और बहुत ज़्यादा मस्ती हो रहा था उस वक्त। और अमायरा बहुत ज़्यादा डांस भी किए, ये देखो अमायरा का परफॉर्मेंस।
और उसके बाद दोस्तों मायरा अपने गेम में मशरूफ़ हो गई। यहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों के ऐसे खेलने के लिए ऐसे प्रेस्टी सेक्शन, कुछ सलून सेक्शन, ये सब था। सब में मायरा जाके थोड़ा थोड़ा खेली, लेकिन उसका सबसे फेवरेट वाला जो स्लोपिंग है वो फिर से उसको देख गई और वहाँ पर फिर से आ गई। तो चलो उसका जो गेम है वो थोड़ा सा हम इंजॉय। सुंदर लगता है ना, ये इनसाइड का पोर्शन है वेनिस मॉल का। और यहाँ पे भी फूड कोर्ट है, बहुत कुछ है। पिछले दिन जहाँ से हम लोग खाए थे ना, वो पोटैटो वाला चिप्स, और यहाँ पर कबूतर को खाना खिलाया जाता है। ये सारे कबूतर, ये देखो, इसको बुला के यहाँ नीचे खाना खिलाते हैं। मुझे ये रेस्टोरेंट के दरवाज़ा कुछ अलग लगा, बहुत बड़ा सा दरवाज़ा। इस साइड में सारे रेस्टोरेंट ही है, और आसमान देख के लग रहा है ना कि बारिश आने वाला है। बहुत ही सुंदर सा वेदर है, लग तो रहा कि बारिश आएगा, लेकिन पता नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और फिलहाल हम लोग फिर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। ट्रेन में चढ़ती ही हमारा के मुंह में स्माइल आ जाता है, अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाता है। अच्छा, वहाँ पे सीसीटीवी में हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी है कहाँ पर? ओ अच्छा, इस साइड में, ये दोनों में है सीसीटीवी। ग्रेट। और स्ट्रॉलर यहाँ पे रख दिए। ओके, अभी शुरू होगा राइड। मेरा हैप्पी 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 माइडू। जब भी आते हैं वेनिस मॉल में, ट्रेन राइड तो जरूर लेते हैं, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है, हमारे को भी अच्छा लगता है। और पीछे ऐसे बॉक्स वाला है ट्रेन के, लेकिन हम हमेशा ऐसे ओपन वाला एरिया में बैठते हैं, ये ज़्यादा अच्छा लगता है हम लोगों को। खाना खिला रही हूँ और छुप रही हूँ। यहाँ पे अभी भी मेनू डिसाइड कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरा एक टैंगो जूस आ गया है, मैंगो टैंगो, ये मैंने लिया है। और हमारा देखो कितना ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, इरीटेट कर रही है, नहीं खेल रही है। खाने के टाइम में इसको सबसे ज़्यादा परेशानी हो। यहाँ पे हमें कॉम्प्लीमेंट्री नाचोस और ये जूस मिला है अभी तक। और यहाँ पे हम लोग एक चिल्वर नाच
स्टैचूज जो है वो ऑर्डर किया है, दिखने में कितना सुंदर करके दिया है ना। तो अभी खाएंगे अभी। तो हम लोग घूम लिए, खाना पीना कर लिए और अभी हम लोग फिलहाल थोड़ा सा वॉक करने के लिए सोचा है। और वेनिस मॉल के ये वाले जो बैक साइड है, ये हमने कभी नहीं आए इस साइड में। तो शुभ्र को मैं कह रही थी थोड़ा वॉक करके देखते हैं इस साइड में क्या है, जगह को जानना भी ज़रूरी है ना दोस्तों। ये है वन कैंपस प्लेस, इसमें कॉलेज वगैरह है। तो इसमें एक कॉलेज है जहाँ पे लैंग्वेज की ट्रेनिंग भी दिया जाता है, जैसे एम्बेसी से मतलब कोई लोग आते हैं ना जैसे इंडिया से, तो किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ या फिर सर्टिफिकेट देने में या किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हुआ तो एम्बेसी को इन्फॉर्म करते हैं। तो एम्बेसी विजिट करते हैं इन सारे जगह में। तो शुक्रिया आए हुए थे यहाँ पर, वो ही मुझे बता रहे थे। और ये देखो बाहर से मॉल का व्यू, काफ़ी साफ सुथरा है रास्ता, आप लोगों को देखकर ही पता चल रहा होगा। और वेदर देखो, वेदर आज माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। नहीं यहाँ इवेंट हो रहा है लेकिन ये कॉलेज का इवेंट है, ये है इंडियन कॉलेज, ये भी एक कॉलेज है। यहाँ पे भी शुप्रियो आए थे, बता रहा है अभी शुप्रियो। तो अंदर का व्यू शुप्रियो बताते हैं कि बहुत ही अच्छा है, लेकिन हम तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ता है, हम ऐसे नहीं जा सकते। लेकिन मेरा जाने का बहुत मन था। इस साइड में चले जाएंगे तो मैकिनले हिल स्टेडियम मिल जाएगा, तो हम उस साइड में नहीं जा रहे हैं अभी। थोड़ी देर वॉक करने के बाद फिर से मॉल के अंदर आ गए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी, बहुत ज़्यादा, थोड़ा चलने के बाद पसीना आ रहा था। ये वाला वॉल देखो कितना सुंदर है ना, बहुत ज़्यादा सुंदर है। हम फिर से आ गए हैं जापान स्टोर पर और ये मुझे बहुत ही मेरा फेवरेट स्टोर है। मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे चीज़ें जो है ज़रूरत का मिल जाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जापान स्टोर में आना। जब भी मैं वेनिस मॉल आती हूँ कोशिश करती हूँ एक दफ़ा इसका चक्कर लगा लूँ। मुझे एक डोर मैट भी लेना है तो मैं फ़िलहाल डोर मैट ढूँढ रही हूँ। मुझे बहुत ही यूनिक लगा, एकदम छोटा सा। अगले ब्लॉग में आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या क्या खरीदा है। फिलहाल इस ब्लॉग का एंड हम यहीं पे करते हैं। अगर अच्छा लगा हो कुछ भी, जाने से पहले लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे क्लीन बोल करते रहिए। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्यूटीफुल दोस्तों।